हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। अभिपीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे जो कि पावर्ड बाय है अभिमन्यु आईएएस, इन दिस प्लेटफॉर्म दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, आज ज्ञान की वर्षा होने वाली है। देखिए, आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम, एंड जो कि डेफिनेटली आपके एग्जाम में, मेंस में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, एंड दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में चार फेजेस ऑफ एवोल्यूशन। नाउ रिसेंटली हिंदू में एक एडिटोरियल आया था जिसमें हिंदू ने ये बात कही, हिंदू में जिस शख्स ने एडिटोरियल लिखा उसने एक बात कही कि जो हमारा जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो चार फेजेस में इवॉल्व हुआ है। नाउ दिस फोर फेजेस वाला एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे एग्जाम में, मेंस में पर्टिकुलरली दो तीन जगहों पर यूज हो सकता है, वो है जीएस मेंस पेपर टू। पेपर टू में डेफिनेटली यूज हो सकता है, हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, पूरा सेटअप उस पेपर में आता है। उसके अलावा आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर है उसमें डेफिनेटली इसके ऊपर सवाल रह सकता है, वहां इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे एग्जीक्यूट होता है उसके ऊपर सवाल आ जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स इज वन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लोगों को बहुत अच्छे से पता भी होना चाहिए। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने यहाँ पे, मैं जानबूझ के नहीं लिखता हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि हर एक आईएएस एस्पिरेंट, हर एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो यूपीएससी के लेवल की तैयारी कर रहा हो, उसके अलावा भी अगर आप किसी अच्छे रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आरबीआई की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ईपीएफओ की बात करते हैं, सेबी की बात करते हैं, उन सब में essays oriented subjective paper definitely रहता है। तो this is one particular video जो आपको जरूर देखनी चाहिए, and मैं सलाह भी दूंगा कि हमारे दूसरे channels को भी आप subscribe कीजिए, जो regulatory bodies वाला channel है उसे subscribe कीजिए, हमारे इस initiative को support भी कीजिए। अल्टीमेटली अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस, वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस इन दिस कंट्री, दिस वीडियो आपको मदद करने जा रही है इन फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, जो कि आपको हेल्प करेगा एटलीस्ट टू गेन 5 to 10 मार्क्स एक ही शॉट के अंदर। इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो एक ही शॉट के अंदर 5 से 10 नंबर आपके ओवरऑल मार्किंग स्कीम में एड होने वाले हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, ध्यान से जरूर सुने। चलिए अब बात करते हैं वो चार फेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इवॉल्व हुआ, फर्स्ट ऑफ कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि 1950 में अगर हमारा संविधान लागू हुआ तो उससे पहले हम कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चल रहे थे अप टिल 1950। 26 नवंबर 1949 एंड 26 जनवरी 1950 से पहले हम कौन से कॉन्स्टिट्यूशन पे काम कर रहे थे, दिस इज वन क्वेश्चन जो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है। मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में उसका मुझे जवाब भी दें। Now, let's talk about the first phase of evolution of Indian constitution. And that first phase is the textual phase, the text phase. ये जो वो दौर था 1950 के बाद and 1973 से पहले, ध्यान रखिएगा जो year है 1973 है, 1950 से लेके 1973 तक, ये एक ऐसा 23 साल के करीब का समय था जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी केसेस आते थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो सब के सब जो केसेस थे, वो सारे के सारे केसेस डिसाइड होते थे ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ टेक्स्ट दैट द रिटन वर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड। टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के बेसिस पे पहले फेज में इंट्रोडक्शन होती है, एवोल्यूशन होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। Now these technical jargons, these are those terms जो आप अगर आप अपने answers में use करते हैं, they will definitely help you to gain more and more marks in your mains. Mains की तैयारी को focus में रखते हुए ये important issues की videos अभिपीडिया powered by अभिमन्यु IAS आपके सामने लेके आ रहा है। Make sure आप इस channel को subscribe करें, हमारे इस initiative को support भी करें। Now ultimately अगर हम देखें तो Supreme Court ने 1950 से 73 तक इन सालों के दौर में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस इसके सामने आए, एंड पर्टिकुलरली वन इंपॉर्टेंट केस, आई चेंज द मार्कर, ये मार्कर थोड़ा सा ढीला है। नाउ ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये एक केस था। इस केस के ऊपर सारी की सारी जो ये पहला फेज है, इसकी सारे फाउंडेशन इस केस में से निकल के आते हैं। दिस केस, अगर इस केस में हम पर्टिकुलरली बात करें, दिस केस हेल्ड दैट
ईच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, दे कवर्ड एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स एंड वर टू बी ट्रीटेड एंड वर टू बी रेड एज सेपरेट कोड्स रादर देन बीइंग कंसिडर्ड और रेड टुगेदर. तो जो ये हमारा बिल ऑफ राइट्स है, ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का सेक्शन है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसे आपने कैसे देखना है? एके गोपालन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया इसको अलग थलग देखिए, एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर. ये जो थॉट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कह दी कि आर्टिकल 19 अलग है, आर्टिकल 21 अलग है, आर्टिकल 22 अलग है. दैट मींस कलेक्टिवली कोई बिल ऑफ राइट्स एग्जिस्ट नहीं करता. ये कंपार्टमेंट्स में बटे हुए हमारे पास फंडामेंटल राइट्स आते हैं. एंड दैट इज द टेक्सचुअल अप्रोच, दैट इज द टेक्सचुअल फेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. भारत का जो संविधान, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है एज अ रिलीजन, वो जब इवॉल्व हुआ तो पहला फेज था एके गोपालन की जजमेंट, जिसमें यह बताया कि आपको संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ड टू वर्ड पढ़ना है. एंड अगर आपको इसका फाइन एग्जाम्पल दूं, मान लीजिए जो ये साबरीमाला का इशू है, आज 2018 में उठ रहा है, 2019 में उठ रहा है, 2020 में चलता आ रहा है. अगर यही सवाल मान लीजिए 1960 में उठा होता एंड एके गोपालन की जजमेंट के ऊपर बेस हो रहा होता, तो यही सेम क्वेश्चन, इसका जवाब ये आता दैट यस, साबरीमाला टेम्पल की जो अथॉरिटीज है, दे आर अलाउड विद इन द एम्बिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट के हिसाब से दे आर अलाउड कि आप वेमेन की, मेंस्ट्रुएटिंग वेमेन की एंट्री को रोक सकते हैं अपने प्रेमिसेस के अंदर. क्यों? क्योंकि आर्टिकल 25 से 30 अलाउ करता है. आर्टिकल 25 से 30 ये बातें बोलता है कि आप इंडिविजुअली अपने रिलीजन में जो प्रैक्टिसेस रखना चाहते हैं, जो नॉर्म्स रखना चाहते हैं, दे वुड बी गिवन सर्टेन ऑटोनॉमी, दे वुड बी गिवन सर्टेन इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम. यही राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है हमारा, राइट? तो इसी बेसिस पे अगर ये इस दौर में ये केस आता, तो ये केस इस तरीके से एडजुडिकेट होने वाला था. लेकिन लकीली वी हैव क्रॉस्ड दिस फेज, ये टेक्स्चुअल फेज जहां पे हम संविधान को वर्ड टू वर्ड देखते थे, इसको हमने छोड़ दिया है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज. ये हमें ये बताता है दैट इन एनी केस, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे इंडिया का है, चाहे वो कॉमन लॉ, कॉमन लॉ जहां से मेजर लॉज इवन इंडिया के भी निकल के आए हैं, कॉमन लॉ ऑफ यूके, ब्रिटेन में जो कॉमन लॉ चलता है, दैट बेसिकली मींस एक रिटन अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है. ये दो टर्म्स को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये टेक्निकल जागन्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. अनकोडिफाइड एंड रिटन. भारत का जो संविधान है वो कोडिफाइड एंड रिटन है. दैट मींस हमारा जो कानून है वो लिखा गया है, गढ़ा गया है, किताब में कोडिफाई करके आपको दे दिया गया है. अब आपकी मर्जी है, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है, उसे कैसे इंटरप्रेट करें. फॉर एग्जाम्पल, प्रिलिम्स रिलेटेड अगर मैं सवाल बताऊं आपको, 2016 में यूपीएससी ने यह सवाल पूछा कि वॉच डॉग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है. वॉच डॉग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आता है सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट इज द वॉच डॉग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दिख नहीं रहा है, इधर लिखता हूं, सुप्रीम कोर्ट. नाउ जस्ट अ सेकेंड, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, मार्कर इज अ बिट लाइट. सुप्रीम कोर्ट, हाँ ये बन गई बात, सुप्रीम कोर्ट इज द वॉच डॉग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सवाल जो था 2016 में वो ये था दैट विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज इज द वॉच डॉग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रेसिडेंट है, कैग है, सुप्रीम कोर्ट है, इस तरीके से एक ऑप्शन था प्राइम मिनिस्टर का. तो आंसर उसका सुप्रीम कोर्ट था. कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि प्रेसिडेंट, क्योंकि उसकी ओथ में टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये फ्रेज आता है, इस वजह से उन्होंने प्रेसिडेंट को मार्क किया था, बट अल्टीमेटली वो गलत हो गया था. यूपीएससी ने क्लैरिफिकेशन अपनी आंसर बुकलेट जब लॉन्च की थी तब बताया था दैट अल्टीमेटली इट विल बी द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. एंड यही जब मैटर आता है, हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, तो उसी में इंटरप्रिटेशन का जब फैक्ट आता है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही ये बात, ये दारोमदार आता है कि वो इंटरप्रेट करेगा. तो अब वो कैसे करेगा, ये सवाल आता है. तो पहली बार जब इंटरप्रिटेशन शुरू हुई, तो उसने सिर्फ वर्ड को, जैसे एक छोटा बच्चा करता है, नेसेंट स्टेज में करता है, शुरुआती दौर में करता है, तो जो उसे बोला जाता है उसी वो, उसे ही मानना पड़ता है, उसे ही वो मानता भी है. तो उसी तरीके से नेसेंट स्टेज में हमने भी टेक्स्चुअल फेज ऑफ हमारा
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म शुरू किया सुप्रीम कोर्ट, इनफैक्ट नॉट हमने, सुप्रीम कोर्ट ने वो फेज शुरू किया जिसमें अपना एक थॉट उसने रखा एके गोपालन वाली जजमेंट में। एके गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 की जजमेंट ने ये बताया कि जो फॉर एग्जांपल पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए, सबको पता है राइट, तो उस पार्ट 3 के अंदर अलग अलग राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, उसी के साथ राइट टू लाइफ है, उसी के साथ आगे जाके आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी हैं, एंड लास्टली आर्टिकल 32 जिसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं अगर कोई भी राइट वायोलेट होता है। सुप्रीम कोर्ट कहता कि भैया ऐसे है कि ये जो 19, 21, 22 हैं, फॉर एग्जांपल इस केस के एम्बिट की बात करें, इसके दायरे की बात करें, तो यही तीन आर्टिकल्स के ऊपर चर्चा चल रही थी। एंड इनफैक्ट इसके ऊपर एक और केस निकल के आया था, वो था बहुत इंपॉर्टेंट मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस में, मेनका गांधी केस इसमें राइट टू लाइफ का दायरा भी बढ़ाया था और इनफैक्ट एके गोपालन के जजमेंट को ओवर रूल भी किया था। तो अगर हम टेक्सचुअल फेज को समझ गए हैं तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज है द स्ट्रक्चरलिस्ट फेज या द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन फेज या द स्ट्रक्चर फेज। ये वो टाइम है, ये वो दौर है जब 1973 में लैंडमार्क जजमेंट आता है। 1973 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में मैं ऐसा बोलता हूं कि आप कुछ भी चेंज कर लीजिए। जो कि एके गोपालन की जब जजमेंट आई थी तो उसमें बोला गया था कि जो पार्लियामेंट है उसकी पावर, उसकी अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है, वो अनब्रिडल्ड है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट इसने ये देखा कि थ्रू आउट दैट प्रोसेस ऑफ 23 odd years, 23 साल के दौरान ये देखा कि भैया ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है, इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी अमेंडमेंट्स आ रही हैं जो कुछ नुकसान कर सकती हैं इंडिया की सॉवरेन एंटिटी को जो कि पीपल ऑफ इंडिया है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकाली थी। नाउ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये कहती है कि हां, मान लिया एके गोपालन में जैसे हमने बोला था, मान लिया 1973 में ये बात बोली कि मान लिया भैया कि आप ये कहते हैं कि जो पार्लियामेंट है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो पावर है वो सॉवरेन है, वो मान लिया हमने, लेकिन एक चीज है जो वो नहीं छेड़ सकती, वो है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर को आप छेड़ नहीं सकते। तो हालांकि आपने एके गोपालन की जजमेंट को पूरे तरीके से ओवररूल नहीं किया, लेकिन आपने ये कह दिया कि पार्लियामेंट की जो पावर है वो अनब्रिडल्ड नहीं है, पार्लियामेंट की पावर जो है सर्वे सर्वा नहीं है, उसमें कुछ रोकथाम है, एग्जिस्ट करती है, वो रोकथाम है हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर। एंड इसी बेसिस पे जो सेकंड फेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन है वो सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट की मेहनत है, सुप्रीम कोर्ट, एंड इसकी हम थोड़ा डीप में मेटा स्टडी भी करेंगे, एक बार सारा चारों फेजेस पढ़ लेते हैं, फिर इस एवोल्यूशन को थोड़ा सब्जेक्टिव वे में भी समझेंगे, हमने यूज कैसे करना है वो भी देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं अगर आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते हैं तो दिस वीडियो विल हेल्प यू एनहांस योर स्कोर इन मेंस। मेंस में कई जगहों पर यह चीजें यूज हो सकती हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर पसंद करें, सपोर्ट दिस इनिशिएटिव बिकॉज अल्टीमेटली दिस विल हेल्प यू एज वेल। नाउ इन केस ऑफ नंद भारती केस द कोर्ट कंक्लूडेड, आई एम रीडिंग दिस आउट फॉर यू, द कोर्ट कंक्लूडेड दैट द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन did not extend to altering its basic structure. Basic structure को नहीं आप छेड़ सकते, ठीक है, मान लिया हमने कि आप 368 के तहत जा सकते हैं, आप सिंपल मेजोरिटी के तहत जा सकते हैं, आप बहुत सारे तरीकों से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ एरियाज हैं उन्हें छेड़ नहीं सकते। एंड उसी कुछ एरियाज में आया हमारा फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट। एंड अब ये देखा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडिविजुअली नहीं एग्जिस्ट करते, लेकिन जैसे मैग्ना कार्टा था, जैसे बिल ऑफ राइट्स हमारे यूनाइटेड स्टेट्स, हमारे दोस्त ट्रंप भाई साहब काफी देर हिंदुस्तान में बिता के गए हैं एंड बहुत सारे मीम्स भी बने उसके ऊपर। नाउ जिस तरीके से वो दोस्ती है उसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। वन ऑफ दोस सिमिलैरिटीज इज दिस बिल ऑफ राइट्स। हमारा ये जो बिल ऑफ राइट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आई विल ब्रिंग वन इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन बिल ऑफ राइट्स और आर फंडामेंटल राइट्स, हमारा पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा जो सब्जेक्टिवली बात करता होगा. ऑब्जेक्टिव तरीके से एवरीबॉडी इज कवरिंग फंडामेंटल राइट्स, लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म में उसको आंसर्स में कैसे लिखना है, उसको उतार कैसे देना है, पिरो कैसे देना अपने थॉट प्रोसेस को, उसकी भी एक वीडियो स्पेशल इंपॉर्टेंट इश्यूज के तरीके से लेके आऊंगा. मेक श्योर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइए, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव. मेंस में लोगों को मदद होने वाली है इससे. नाउ केशव नंद भारती में एक बात कही गई दैट एक ओपन एंडेड कैटलॉग ऑफ फीचर्स दैट लाइज विद इन द एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ द कोर्ट, ये बना दिया. वो क्या था? वो बेसिक स्ट्रक्चर था, एक ऐसा कैटलॉग. यू नो, आप जब भी गाड़ियां खरीदने जाते हैं तो उस कैटलॉग देखते हैं, आप मैगजीन देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि ये गाड़ी इस तरीके की है, इसमें ये फीचर्स हैं वगैरह वगैरह. तो उसी तरीके का एक ओपन एंडेड कैटलॉग, उसमें खत्म नहीं किया उसको, उसको एग्जॉस्टिव लिस्ट बना के नहीं दे दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता था फ्रॉम टाइम एंड अगेन देयर विल बी सर्टेन मैटर्स जो कि रिक्वायर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स उन्हें किन्हीं चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाना पड़ जाएगा. भारत के जो सोसाइटी है, इंडिया की सोसाइटी, उसको इवॉल्व करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को ओपन एंडेड कैटलॉग रखा गया. ऑन दोज ग्राउंड्स ये बोला दैट व्हेन पार्लियामेंट अटेम्प्टेड टू ओवरटर्न दिस डिसीजन बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, येट अगेन कोर्ट ने वापस से इसी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अपना जरिया बना के उस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार भी किया गया था. नाउ दीज अमेंडमेंट्स वर 42nd, 43rd, 44th. ये तीन अमेंडमेंट्स कुछ ऐसी थी जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक सवाल के तौर पे उठी थी, एक फाउंडेशन के तौर पे उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बचाव किया था. दैट वाज दिस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. तो आप एवोल्यूशन देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट वॉज ओनली टॉकिंग अबाउट द रिटन वर्ड, एंड धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट उसकी तह तक गया, उसकी परतें खोलता है, उसके बाल की खाल निकाल के वो ये बताता है दैट अल्टीमेटली देर इज दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को ध्यान से समझना है तो आपको वो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स हैं जिसमें फाउंडिंग फादर्स बात कर रहे हैं हमारे एथोस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे फाउंडिंग प्रिंसिपल्स का ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको वो डिबेट जरूर देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली उसमें से मेन से रिलेटेड सवाल, एसेज, बहुत सारे एरियाज में मदद होने वाली है. एंड एक और चीज, वो ऐसा ज्ञान है जो आपको हल्का फील कराएगा. यू नो द काइंड ऑफ वेट दैट आई हैव बिकॉज आई हैव रेड दोज डिबेट्स, मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है. आई फील लाइट, आई फील एनलाइटेंड. इफ यू वॉन्ट टू फील एनलाइटेंड, रीड दोज डिबेट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस स्ट्रक्चर फेज, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाला जो फेज है इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, देखते हैं कि एके गोपालन की जजमेंट, फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू द कोर्ट कैटेगोरिकली रिजेक्टेड द थॉट जो इसने एके गोपालन में बोली थी 1950 में, छोड़ दिया उसे, उस आइडिया को छोड़ दिया. इनफैक्ट इन फेवर ऑफ अ स्ट्रक्चरलिस्ट वन 1978 के अंदर, 1978 को हिंदी में क्या बोलते हैं, एकदम से दिमाग में नहीं आया, जस्ट दैट, चलिए 1978 के अंदर मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो केस आता है उसमें हम एक खास चीज के ऊपर फोकस करते हैं, वो है राइट टू लाइफ के ऊपर हम फोकस करते हैं. राइट टू लाइफ बेसिकली ये बताता है कि दीज बिल ऑफ राइट्स दे आर नॉट इंडिविजुअल कंपार्टमेंटलाइज्ड प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये अलग 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 थलग नहीं एग्जिस्ट करते हैं, ये मिलजुल के एक कलेक्टिव नॉर्म, एक बिल ऑफ राइट्स बन के एग्जिस्ट करते हैं. एंड इसी वजह से जो आर्टिकल 21 है, जो राइट टू लाइफ है, उसे भी एक ओपन एंडेड कैटलॉग बना दिया. इनफैक्ट उसमें भी ये बात बोल दी कि आगे अगर जरूरत पड़ी, फॉर एग्जाम्पल राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, उसको इंक्लूड किया राइट टू लाइफ के अंदर. फॉर एग्जाम्पल राइट टू एजुकेशन, उसको भी एक एंगल देके राइट टू लाइफ में इंक्लूड किया गया. फॉर एग्जाम्पल राइट टू वर्क को भी इनिशियली राइट टू लाइफ का हिस्सा बनाया गया. राइट टू मैरी को हिस्सा बनाया गया राइट टू लाइफ का. इस तरीके से बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया गया, राइट टू लाइफ का दायरा बढ़ाया गया. लेकिन आपको अगर समझना है तो ये समझना है कि ये जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जब सेकंड फेज आया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये तब से निकलना
आना शुरू हुआ है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है. ये एडिटोरियल बहुत अच्छा था. आई जस्ट होप्ड कि किसी ने ये एडिटोरियल मिस ना किया हो. जिन्होंने मिस किया है, अगर उन्होंने ये वीडियो देख ली, तो उससे बहुत बेहतर एक बहुत रिफाइंड फॉर्म में आप इसके ऊपर अपना थॉट प्रोसेस बना सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली मीन्स में आपको वही थॉट प्रोसेस आंसर राइटिंग में मदद करने वाला है. नाउ अगर बात करें कॉमनैलिटी की, द सिग्निफिकेंट डिसीजंस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशंस वर इंटरेस्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस एंड वर केयरफुली रीजंड. नाउ ये चीज एक खास बात है, वो क्या कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर्स थे वो एक दो जजेस के ऊपर नहीं छोड़े जा रहे थे. अब एक नई एंटिटी, एक नया फोरम क्रिएट किया गया, वो था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस अल्टीमेटली कंटेन अबाउट 5 जजेस, 5 जजेस बैठेंगे, वो एक मेजॉरिटी डिसीजन देंगे. अगर यूनानिमस हो जाए तो बहुत बढ़िया है, अगर मेजॉरिटी में डिसीजन देते हैं तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन हो जाता है. एंड दैट डिसीजन इफ इट हैज टू बी ओवररूल्ड तो वो एक बड़े बेंच के साथ, बड़े बेंच के सामने वो मैटर जाता है एंड वो उसे उस पर एडजुडिकेट करते हैं. अल्टीमेटली अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कोई डिसीजन लेता है तो वो उसको ओवर रूल करना, उसको ओवरटर्न करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. एंड एक चीज और जो कि एक ही गोपालन में नहीं थी, अब देखी जा रही थी, वो ये थी कि अब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हो रहे थे दे वर बीइंग बेस्ड ऑन रीजन, लॉजिक के ऊपर बेस किए जा रहे थे, उस थॉट के ऊपर बेस किए जा रहे थे, वो थॉट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने निकाल के रखी थी. इसी थॉट को ग्राउंड बनाया था जब सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट दी केशवनंद भारती केस के अंदर. ठीक है जी, अभी तक कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको आपके डाउट्स को क्लियर भी कर दूंगा. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड फेज, द थर्ड फेज है वो है एक्लेक्टिसिज्म का. नाउ एक्लेक्टिसिज्म बेसिकली मींस कि आप अब बेसिक स्ट्रक्चर की बात तो कर चुके हैं, वो एस्टैब्लिश हो चुकी है, लेकिन अब आप फोकस कर रहे हैं आउटकम्स के ऊपर. Now you are focusing on outcomes. I hope this is clear. Board पे अगर clear दिख रहा है तो kindly मुझे बता भी दीजिएगा. अब आप focus क्या कर रहे हैं कि थोड़ा society में भी change आए भैया. Basic structure तो आपने बना दिया, एक वो founding principle आपने बना दिया. अब focus आपने करना है outcomes के ऊपर कि अब उन basic structure doctrines की वजह से थोड़ा सा society में भी सुधार आए. And on those grounds you can say कि पिछले कुछ सालों में this is that phase. आपने ये टर्म पढ़ी होगी, दिस इज दैट फेज. ये यहां पे लिखा नहीं हुआ है, मेक श्योर आप लिख लें. दिस इज दैट फेज जहां पे जुडिशियल एक्टिविज्म सामने आता है. जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल आउटरीच या ओवररीच, या जहां पे जुडिशरी लेजिस्लेशन का काम पकड़ रहा है, जहां पे जुडिशरी उस एरिया में इंटरवीन कर रहा है जहां लेजिस्लेचर को काम करना चाहिए था. देर आर मेनी रीजंस जहां पे जुडिशियल एक्टिविज्म होता है. वन ऑफ दोज रीजन इज जहां पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो जाती है, उसकी वजह से आर्बिट्रेरीनेस आ जाती है डिसीजन में, एंड ऑन दोज ग्राउंड्स जुडिशरी को इंटरवीन करना पड़ जाता है. सो मेक श्योर आप जुडिशियल एक्टिविज्म को भी अलग से करें. वी विल बी डिस्कसिंग दैट टॉपिक अदरवाइज इन डिफरेंट सेगमेंट इन अ डिफरेंट वीडियो ऑफ इंपॉर्टेंट इश्यूज, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जुडिशियल एक्टिविज्म का जो टॉपिक है उसको कैसे कोरिलेट करना है. देखो बहुत सारा ज्ञान ऐसे हेवायर पड़ा होता है. हमारा ये काम है अभिमन्यु आईएएस अभिपीडिया को जब पावर करता है तो यही सोच रख के करता है दैट अल्टीमेटली दीज टॉपिक्स व्हेन दे आर इंटर रिलेटेड तो स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके. स्टूडेंट्स को थोड़ा सा चाहे आधा पका बट पका हुआ खाना आपको आपके डोर स्टेप्स तक, आपकी स्क्रीन तक, कंप्यूटर स्क्रीन तक, मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच सके. ऑन दोज ग्राउंड लेट्स टॉक अबाउट एक्लेक्टिसिज्म. ये आउटकम बेस्ड जो सोच थी ये क्या थी? दिस वॉज इंटरप्रेटिव फिलोसफी टर्न्ड फार मोर रिजल्ट ओरिएंटेड. अब ये सोचा जाने लगा कि कैसे ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके. अब ये सोचा जाने लगा कि जैसे किस तरीके से जेंडर को एक जेंडर न्यूट्रल एनवायरमेंट बेसिकली क्रिएट किया जा सके इंडिया के सोसाइटी के अंदर थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म. राइट, सो ऑन दोज ग्राउंड्स एंड सिमिलरली एक चीज जो रह गई वो ये है एनवायरमेंट, कैसे एनवायरमेंट को सुधारा जा सके. फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली सोनू निगम जी के साथ एक इशू हो गया था जो कि नॉइज पॉल्यूशन से रिलेटेड बात कर रहे थे. अल्टीमेटली दीज आर सर्टन फैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल देर इज अ जजमेंट ऑफ एनजीटी जो कि बात कहता है, उसके ऊपर हमारे खास जॉन इब्राहिम जी हैं. जॉन इब्राहिम जी की भी मूवी आई थी नो स्मोकिंग करके,
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो नो स्मोकिंग, वो स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस वाली भी एक जजमेंट आई थी, एनजीटी का ऑर्डर आया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया था कि पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग अलाउड नहीं है. एंड सिमिलरली ऑन दोज ग्राउंड्स पोल्यूशन से रिलेटेड, एंड सिमिलरली आपको ध्यान होगा BS4 और BS6 की तरफ हम जो जा रहे हैं, ये BS6 की तरफ जो हम जा रहे हैं अप्रैल 2020 के अंदर, ये सारी की सारी चीजें इस एक्लेक्टिसिज्म फेज में से निकल के आई हैं. नाउ वी आर फोकसिंग मोर ऑन आउटकम्स रादर देन द फंडामेंटल्स, रादर देन द टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारत के संविधान में से अगर हमें ये सारी चीजें निकालनी है तो ये आउटकम बेस्ड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, नॉट वर्ड बाय वर्ड. वी डोंट फाइंड दीज टर्म्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट, इस चीज का ख्याल रखिएगा. एंड दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये फेज, ये दौर हर किसी की जिंदगी में आता है जब आप अपने प्रिंसिपल्स को बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन ईयर्स यू मेंटेन सर्टन लेवल ऑफ प्रिंसिपल्स, एंड आफ्टर योर ग्रेजुएशन वाइल यू आर वर्किंग यू वर्क ऑन दोज प्रिंसिपल्स. आप अब उन प्रिंसिपल्स में से रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं. एंड सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात अगर करें हिंदुस्तान की, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो टेक्स्ट बनाया, फिर उसके बाद उस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को बनाया. अब हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो रहे हैं धीरे धीरे. तो दिस वॉज रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच. द कोर्ट ऑफन सरेंडर्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजिंग इन अ थॉरो राइट्स रीजनिंग ऑफ द इश्यूज बिफोर इट. टू फैक्टर्स अंडरपिंड दिस कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर. अब जो ये एडिटोरियल था हिंदू के अंदर जो आया, इसमें ये बात बोली कि दिस वॉज अ बिट ऑफ अ फेलियर, दिस फेज वॉज अ बिट ऑफ अ फेलियर. Not according to me, and I hope आपको भी ऐसा नहीं लगता होगा. Let's just critically analyze this editorial. तो इसमें अगर हम समझे तो ये बोला गया कि ये थोड़ा सा एक institutional failure था. कारण क्या था? The failure number one was to give reasons which led to methodological incoherence. पहले आप reasons दे रहे थे, अब आप result के ऊपर focus कर रहे थे. For example, अगर इसकी similarity हम ढूंढें तो पिछले एक साल पहले एक if you remember prelims में सवाल आया था पेटेंट्स के ऊपर यह सवाल आया कि क्या इंडिया प्रोडक्ट पेटेंट्स देता है, रिकॉग्नाइज करता है, या प्रोसेस पेटेंट्स रिकॉग्नाइज करता है. सो दिस वाज वन क्वेश्चन, दिस वाज वन टॉपिक व्हिच वाज टू बी डिस्कस्ड, एंड वो प्रीलिम्स में भी आया था, बट नॉट आर कंसर्न. हमें क्या समझना है कि क्या आज हम प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड आउटकम्स, या हम प्रोसेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं. तो एक मेथोडोलॉजिकल इनकोहरेंस आ गया. जो मेथोडोलॉजी आप यूज कर रहे थे जिससे आप कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को डिसाइड कर रहे थे, वो अलग हो गई. अब आप रिजल्ट के ऊपर फोकस करने लगे हैं. दूसरा एक और चीज वो थी डॉक्ट्रिनल इनकोहरेंस, बिकॉज एट टाइम्स आप जो डॉक्ट्रिन फॉलो कर रहे थे वो भी रिजल्ट की वजह से, जिस तरीके का आपको रिजल्ट चाहिए था उसे आप मोल्ड करके, तोड़ मरोड़ के आप यूज कर रहे थे. दिस वॉज समथिंग दैट दिस एडिटोरियल टॉक्ड अबाउट. बट वॉट वी नीड टू फोकस ऑन इज ये जो थर्ड फेज है, ये आउटकम बेस्ड फेज है. तो आउटकम्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द थर्ड फेज. नाउ चलिए आगे देखते हैं द चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट. अब कोर्ट भी जो है वो एक चेंज्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ गया. सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ इवोल्यूशन आई. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पोल साइंस, बिकॉज वहां पे पॉलिटिकल साइंस में सेपरेशन ऑफ पावर्स इज वन टॉपिक, एंड अदरवाइज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस अगेन एक टॉपिक है. सिमिलरली पेपर टू में जो आपका पॉलिटी से रिलेटेड है उसमें भी सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशरी, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आई कैन नॉट स्ट्रेस मच ऑन दिस. द चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट. अब क्या हो गया, कोर्ट जो था अब इंडिविजुअल जजेस के तरीके से नहीं एग्जिस्ट कर रहा था. अब क्या था, अब सुप्रीम कोर्ट बेसिकली एक पॉली वोकल ग्रुप. ये टर्म लिख लीजिएगा कहीं पे. These terms are very important. ये terms, ये technical jargons ultimately आपको mains में marks दिलवाते हैं. Now, ये term polyvocal group मतलब अगर हम constitutional benches की बात करें जो second phase में से निकल के आए थे, तो वो second phase वाले जो constitutional benches थे they were basically polyvocal groups. Am I right? बहुत सारे judges एक साथ बैठ के किसी एक मुद्दे के ऊपर चर्चा करके उसके ऊपर majority based decisions देने लगे. अब ऐसा हुआ हर एक individual judge अपनी राय अलग से देने लगा, तो एक पॉलीवोकल ग्रुप हो गया ऑफ अबाउट अ डजन सब सुप्रीम कोर्ट्स. ये जो पॉलीवोकल ग्रुप है ये बेसिकली क्या कह रहा है, इस एडिटोरियल में जो बात की गई उसने ये कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट 31 और अब जो जैसे स्ट्रेंथ बढ़ गई है तो
सुप्रीम कोर्ट ये कुछ 31-34 ये जजेस से नहीं बना है, अब छोटे छोटे सुप्रीम कोर्ट्स अलग से एग्जिस्ट करने लग गए, छोटे छोटे सुप्रीम कोर्ट्स, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं, वो 3 जज बेंचेस हैं, वो 5 जज बेंचेस हैं, 7 जज 9 जज 11 जज बेंचेस हैं, जो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी खुद वील्ड करके पॉलीवोकल ग्रुप्स के तौर पे किन्हीं किन्हीं मैटर्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को एडजुडिकेट कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में एक स्ट्रक्चरल चेंज आ गया, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सुप्रीम कोर्ट का भी एक एवोल्यूशनरी फेज है, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी उस टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आप इस फैक्ट को, इस यू नो, इस पूरे थॉट को एक जगह जरूर लिख लीजिएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, आई कैन नॉट स्ट्रेस मच अबाउट इट। प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो में से नोट्स बना लें। द कोर्ट बिगैन डिसाइडिंग केसेस बेस्ड ऑन अ सर्टन कंसेप्शन ऑफ इट्स ओन रोल। कोर्ट अब डिसीजन ऐसे कर रहा था कि अपने भी रोल्स को पीछे से डिफाइन करके दे रहा था। क्या अब कोर्ट ऐसा खुद को सोच रहा था दैट आई एम द सेंटिनल ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी को बचाने वाला काम जो है वो सिर्फ मेरा है, और आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ मार्केट इकोनॉमी, कि ये जो कैपिटलिज्म चल रहा है, ये जो मार्केट इकोनॉमी चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, इसको बचाने का काम भी किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। तो अपने ही रोल्स को डिफाइन कर रहा था, ट्वीक कर रहा था सुप्रीम कोर्ट इन दिस थर्ड फेज। ये फेज निकल के आता है आफ्टर द स्ट्रक्चरल फेज। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट फेज, कोई भी डाउट हो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, आपके डाउट्स को क्लैरिफाई कर दिया जाएगा विद इन दैट कॉमेंट। नाउ लास्ट फेज और द फोर्थ फेज, जो कि अभी हम जिसमें बैठे हैं, एंड ये एक ट्रांजिशनिंग फेज है, आगे पता नहीं हम कहां जाएंगे, रब राखा, खुदा के जिस जो खिदमत में रहा वहां तक पहुंचेंगे, बट अल्टीमेटली जो फोर्थ फेज है वो एक ट्रांजिशनिंग फेज है फ्रॉम द थर्ड फेज, जो कि हमारा एक्लेक्टिसिज्म वाला था।